अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ, मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है, उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। और नाजरीन में सब मौजूद हैं जनाब, मैं हूं आपके साथ राफिया असलम। गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में खुश आमदीद कहते हैं, और आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं, आपको गुड मॉर्निंग भी कहते हैं। गुड मॉर्निंग राफिया, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए, हाउ इज योर वीक गोइंग ऑन? अच्छा, बड़ी आजकल गायब रहती है, सिर्फ शो में मिलती है, उसके बाद आप पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। हाँ, आजकल मैं टोटली गायब हूँ सोशल मीडिया से भी, और मुझे थोड़ा अब रिलैक्स होना है और अच्छा वक्त निकालना है, तो वो सोशल मीडिया में बहुत सी चीजें चल रही होती है ना, तो आप कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपका दिल वो हो जाता है। एब्सोल्युटली, सो दैट्स अ वे एक्चुअली एज वेल, जब आपको लगे कि चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं आपके इर्द गिर्द और आपको समझ नहीं आ रही कि व्हाट टू डू, जैसे कि सोशल मीडिया की हम बात करें तो सोशल मीडिया पे बाज़ात ऐसे होता है कि हम इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस लेना शुरू कर देते हैं कि हम उसको सोचना इतना ज्यादा शुरू कर देते हैं, हमें लगता है कि अच्छा दैट पर्सन हैज अ थिंग, पर्सन कुछ इस तरह की चीज कर रहा है वो बंदा, आई एम नॉट डूइंग एनी, स्टार्टिंग फीलिंग गिल्टी और स्टार्टिंग फीलिंग बैड। तो जब आपको इस तरह की चीज फील हो ना, तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, उससे कट डाउन हो जाए, आप एक गैप ले लें, उससे थोड़ा सा आप दूर हो जाए, नॉर्मल करें खुद को, सोचें, रीप्रोसेस करें चीजों को, और जब आपको लगे कि नाउ आई एम कैपेबल टू डू द स्टफ नाउ इन अ गुड वे, और चीजों को मैं वापस अपनी ठीक तरीके से कर सकता हूँ, तो फिर वापस आप आइए, बट विद अ स्ट्रॉन्ग थिंग्स, दैट्स अ ट्रिक टू डू। हाँ बिल्कुल, और समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि लाइफ शो में आपका इयररिंग्स बदल जाता है, दैट्स नॉर्मल, दैट्स टोटली नॉर्मल, फाइन, नो प्रॉब्लम। जनाब जैसे राफी ने देखा, लेकिन मैं एक इयररिंग के साथ आज शो करूंगी। हाँ बिल्कुल, और जनाब समटाइम ये भी होता है कि आप बेशक किसी को नहीं देख रहे होते, कुछ भी नहीं चल रहा होता, लेकिन आप एग्जॉस्ट हो जाते हो ना रूटीन की लाइफ से, आपको होता है कि आप फैमिली को टाइम दे, सुकून करें, रेस्ट करें, क्योंकि मुझे पर्सनली भी, मैं आपको याद आपसे डिस्कस करती थी कि मुझे सोशल मीडिया का इतना क्रेज नहीं है। हाँ। मैं मतलब कि आप ठीक है सब कर रहे हैं तो मैं भी करना शुरू होगी, अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा, लेकिन ना पहले ऐसे होता है ना कि बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लेना शुरू कर देते हैं, मतलब इट्स अ रियली गुड मीडियम फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर फन एंड अलॉन्ग विद दैट फॉर द बिजनेस थिंग एज वेल, या फिर अपनी कह लेंगे अपने अगर अपने बिजनेस किस चीज को भी आपने, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, अर्निंग साइड भी बड़ी बेहतरीन है अगर इसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर उसका आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो गए तो फिर थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है कि यहाँ पे आई हैव टू टेक अ पॉज, आई हैव टू वर्क विद माई सेल्फ, आई हैव टू थिंक कि वो तो उस बंदे की लाइफ है ना, दैट्स नॉट माय लाइफ, तो मैं किस तरह से उस बंदे की लाइफ का इम्पैक्ट खुद पे ले सकता हूँ, बिकॉज एवरी पर्सन हैज इट्स ओन इंडिविजुअलिटी, हर बंदे की अपनी एक इंफरादियत है, अपनी शख्सियत है, तो आप चीजों को अपने हिसाब से करिए, रादर देन थिंकिंग व्हाट द पीपल, अच्छा इसकी जिंदगी ऐसे जा रही है, इसकी ऐसे जा रही है, आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से गुजारिए। बिल्कुल जनाब, तो बढ़ते हैं अपने अगले पहले टॉपिक के जानिब, और आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम बहुत कंसर्न है आपकी सेहत के साथ, हम चाहते हैं आप सेहतमंद रहें, खुशहाल रहें, सेहत होगी तो आप खुश रहेंगे, सेहत नहीं होगी तो ऑफकोर्स आप खुश नहीं रहेंगे, तो खुश रहने के लिए जरूरी है आपका सेहतमंद होना। जैसे वेदर चेंज होता है हमारे यहाँ बहुत सी, हमारे हानि जितने भी लोग हैं, जाहिर है जब वेदर चेंज होगा तो बहुत सी वबाई अमराज आ जाती हैं, हमारे यहाँ कॉमन जो होता है वो फ्लू होता है, गला खराब हो जाना, थोड़ा टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन आजकल लोग ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि यही सिम्टम्स जो है वो कोविड के भी है, तो जब आपको फ्लू होता है या थोड़ा सा गला खराब होता है तो आप परेशान हो जाते हैं, और चूंकि आजकल डेंगू बहुत ज्यादा हो रहा है, यही एक्चुअली सिम्टम्स जो है वो डेंगू की भी है, जिसमें आपको फीवर भी होना शुरू हो जाता है, तो किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सीजनल फ्लू हो रहा है, या आपको कोविड हो रहा है, या फिर आपको डेंगू हो रहा है, इन तीनों चीजों में डिफ्रेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं, और उसके अलावा एहतियात कैसे कर सकते हैं, खुद को इससे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकती हैं, जनरली हम आपको इन सब सारी चीजों के हवाले से बता रहे होंगे, इन चीजों के हवाले से बात करने के लिए जनाब आज के इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े मजेदार मेहमान डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मुनीर मौजूद है, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, शो में इन्हें वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप फाइनली इन द शो, थोड़े दिन पहले हमारे साथ मौजूद थे ऑनलाइन स्काइप पे, जहाँ पे हमने रिसीजिया के हवाले से बात की, और उसने हमें चीजों को बड़े डिटेल से डिस्कस किया था, आज भी हम कोशिश करेंगे कि चीजों को डिटेल से डिस्कस कर सके कि मसला जो है इसको किस तरह से हल किया जा सकता है, तीनों जो चीजें उनमें डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया जा सकता है, तो सर पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं कि डेंगू, कोविड और जो सीजनल फ्लू है, इन तीनों में डिफ्रेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं? मैडम ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिस तरह आपने मेरे से मुझे बताने से पहले एक्सप्लेन कर दी है, डेंगू को एक्सप्लेन कर दी है, कोविड को कर दी है, फ्लू को कर दी है, एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोविड और ये जो फ्लू है ये बिल्कुल आपस में इनके जो सिम्टम्स है वो मैच करते हैं, ये पब्लिक को बताना बहुत जरूरी है कि सीजनल फ्लू और कोविड में क्या होती है, दोनों प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं और दोनों ही वायरस से होती है,
ठीक हो गया। जी जी, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है, दोनों ही होती हैं और दोनों ही ऑफकोर्स अब तो वैक्सीन भी है, सब कुछ भी है। डॉक्टर साहब थोड़ा बताइएगा, जैसे मौसम चेंज होता है तो हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, हम अपनी केयर नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं जी अच्छा ठीक है, अच्छा मौसम है। जैसे आजकल भी हमने देखा है कि थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है तो हम क्विक भी ले रहे होते हैं, साथ पंखा भी फुल चला रहे होते हैं, एसी भी चला रहे होते हैं, तो किस तरह से खुद को बचा सकते हैं? मैडम ये वाकई में जो एक हमारा रूम टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री, अगर हम उसको मेंटेन करें, इवन वेदर चेंज हो जाए, हमने रूम को अपना रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। और दूसरी चीज जो आपने बताई है वैक्सीन की, ये बताना बहुत जरूरी है कि जिस तरह कोविड की एक वैक्सीन है, इस तरह एक फ्लू की भी वैक्सीन है, ठीक है, वो एच इन्फ्लुएंजा वायरस है हमारा, उसकी भी एक वैक्सीन है। हाँ, लोगों को जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, जो कोई कोमॉर्बिडिटीज के साथ होते हैं, ठीक है, उन लोगों को इसकी फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। तो नॉर्मल पेशेंट्स को नहीं लगाते, सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को लगाते? वैसे मैंने सुना भी नहीं, आपसे पहली बार सुन रही हूं कि इन्फ्लुएंजा एच इन्फ्लुएंजा की भी वैक्सीनेशन होती है। एग्जैक्टली मैडम, है बिल्कुल है, उसकी इन्फ्लू वैक के नाम से आती है। इसके अंदर ये होती है, कुछ चिल्ड्रन है, ओल्डर एडल्ट्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, ये तो सबसे प्रायोरिटी पे है, ये जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, पब्लिक को बताने के लिए उन लोगों को इन्फ्लू वैक के नाम से एक वैक्सीन आती है वो लगवानी चाहिए। वो लोग फ्लू से बच जाते हैं, कोविड से तो हो गए सेफ, लेकिन वो ये भी इम्यूनिटी इस पे वो करती है, डिपेंड करती है आपकी डिजीज पे। ठीक हो गया। तो सर इसकी मैं वैक्सीनेशन क्योंकि जैसे पहली बार सुन रही हूँ, तो इसकी कोई अवेयरनेस वगैरह नहीं क्या लोगों को? नहीं पता, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन एक बीमारी है ना, मतलब और हम फ्लू को इतना ज्यादा वो लेते भी नहीं है, सीरियस भी नहीं लेते, हालांकि ये जल्दी एक शख्स से दूसरे शख्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसके जर्म्स ज्यादा जल्दी लग जाते हैं। हम इसको बिल्कुल ही नॉर्मल ले रहे होते हैं, घर में मौजूद सबके साथ बैठे होते हैं और सबके वही ग्लास भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल केयर नहीं कर रहे होते। मैडम आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसकी हम लोगों को वाकई अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस होनी चाहिए। हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, जिसको हम फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, फ्लू में भी बहुत जरूरी है। ये भी वायरल है, कोविड भी एक वायरल है, दोनों के सिम्टम्स मैच करते हैं ऑब्वियसली, और दोनों ही प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। ठीक है, दोनों के सिम्टम्स भी मैच करते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइएगा, छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा ठंड भी लग जाती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही होती है, लेकिन जब ठंड आती है स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जब माई स्पेशली कह रही होती है ना, पहली सर्दी है, इसको ज्यादा कवर करके रखिए। तो हमने देखा बच्चों को बहुत ज्यादा ही कवर किया जाता है कि बिल्कुल मुश्किल से बच्चे का पता चल रहा होता है, इतना कवर कर दिया जाता है। तो क्या बच्चे को इतना कवर करना चाहिए विंटर में? मैडम जिस तरह आपने पहले खुद बताया कि मौसम चेंज होता है तो टेम्परेचर भी वेरी करता है, जब टेम्परेचर वेरी करता है, हम लोगों ने बच्चे को कवर करने की बजाय अगर हम रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखें तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बाहर होगी, बच्चा बाहर सोएगा, उसको हम 10 कंबलों में पकड़ के डाल देंगे, फिर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने पहले बताया, चिल्ड्रन और ओल्डर एडल्ट्स और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, ये ज्यादा प्रोन होते हैं इस चीज को वायरस के साथ। ठीक है, ठीक हो गया। तो सर अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के हवाले से बात कर लेते हैं कि हम किस तरह से पता चल सकते हैं, जैसे मुझे अगर नजला हो गया या खांसी भी हो गई है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस टाइम मुझे एक सीजनल फ्लू हो रहा है या फिर कोई कोविड या फिर डेंगू की सिम्टम्स है? सबसे पहली चीज तो आजकल एक अवेयरनेस है वैक्सीन के हवाले से, अगर एक पेशेंट ने कोविड की वैक्सीन लगवाई हुई है तो उसको आइडिया है कि मैंने जी कोविड की वैक्सीन लगवाई हुई है और मैं उसकी केयर नहीं कर रहा, अगर उसको फिर भी फ्लू हो रहा है तो इसका ये मतलब है उसकी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है, उसको ज्यादा केयर करनी चाहिए, वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखे, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखे, अपने आप को दूसरों से, इवन कोई फ्लू का पेशेंट है उसे अवॉइड करके रखे, ऑफिस में है, जो अपना जॉब पे है, कहीं मार्केट में है तो उनसे अवॉइड करके रखे। और जो जहां तक आपने बात की सिम्टम्स की, इसके सिम्टम्स भी अपर रेस्पिरेटरी है फ्लू के, रनिंग नोज है और अपना फ्रेंजाइटिस है, इसके अंदर अपना थ्रोट पेन है, जो इसको आप कोविड से कर सकते हैं, उसके अंदर मलेज आ जाता है, एनोस्मी आ जाता है, एनोस्मी हम बोलते हैं जिसके अंदर अपना सेंस ऑफ स्मेल नहीं होती, सेंस ऑफ टेस्ट चला जाता है, इस तरह ये पेशेंट इसको बचा सकते हैं हम लोग। जी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब जैसे आपने वैक्सीन के हवाले से बताया, तो हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है बहुत से लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, फाइनली लोगों को पता चल गया कि वैक्सीन लगवाना बड़ा जरूरी। इसमें ना एनसीओसी का भी बड़ा किरदार रहा और गवर्नमेंट का बड़ा किरदार रहा, बहुत सी उन्होंने ऐसी स्ट्रिक्टनेस भी शुरू कर दी थी कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, आप रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, बहुत सी मॉल नहीं जा सकते, तो उसकी वजह से भी लोगों ने डर से भी वैक्सीन करवाई, तो अल्लाह का शुक्र है कि वैक्सीन की तरफ आ गए। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं कि अगर बच्चों को फ्लू हो जाता है या गर्मी हो जाता है, तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है घरों में, वो कहते हैं फ्लू हो रहा है तो उसको बहने दें, मेडिसिन नहीं लें, तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं, इसकी प्रॉपर मेडिकेशन होनी चाहिए? देखिए मैडम आपने दो बातें की, एक तो वैक्सीन के वाले से, पहले मैं वैक्सीन के वाले से आपको बता देता हूँ, ये बहुत अच्छी अवेयरनेस है, वाकई में आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम लोगों को डरा के वैक्सीन नहीं लगवा सकते। यही जो आपका प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे हम लोगों को
मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग वैक्सीन अपनी लगवाएं, और हमने किसी को डरा के वैक्सीन नहीं लगवानी, हमने उनको बताना है कि आप लोगों के सिम्टम्स क्या है, इससे आप लोगों को अपना क्या सिवेरिटी आपकी हो सकती है कोविड के हवाले से, इवन फ्लू भी आके हो सकता है। और जहां तक आ जाती है बच्चों की रनिंग नोज, अपना माएं बोलती हैं कि हम लोगों ने जी नाक बहने दें, ये वायरल होता है, और वायरल के अंदर जिस तरह मैंने आपको बात बताई कि सबसे ज्यादा हम लोगों ने अपनी केयर करनी है बच्चों की, अगर हम केयर नहीं कर सकते फिर हम लोग यही कहते हैं कि ये बच्चे की इम्यूनिटी खुद ब खुद बन जाएगी, इसकी इम्यूनिटी अपनी ये बूस्ट करेगा, और ये अपने आप को कब तक हम लोग मेडिसिन देंगे। अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है फिर वो सुपर इम्पोज बैक्टीरियल हो जाता है, जिसमें बच्चा निमोनिया या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में चला जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। तो हम जो एक तरीका कार कर रहे होते हैं कि इसको बहने दें, आप मेडिसिन नहीं लें, उसको खुद से करने दें, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग होने दें, तो वो सही होता है? एग्जैक्टली, वो इतना भी नहीं बहने देना होता कि हम अवॉइड कर दें उसको। हमने वही बात कि अपने आप को जिस तरह भी आपका प्रोग्राम भी इसीलिए है कि हम लोगों ने जो वेदर चेंजेस है उसका ख्याल रखना है, हम ये नहीं करना कि बच्चे को हमने बाहर रख देना है, उसको कहना कि अपना इसकी नाक बहने दे। अक्सर माएं होती हैं, वो जाती हैं अपने बाजार में बच्चों को लेके चली जाती है, कहती है जी ये बच्चे का बुखार है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, रनिंग नोज है ये ठीक हो जाएगी, वो कभी ठीक नहीं होती। आप उसको वो एनवायरमेंट दें एहतियात के साथ। ठीक हो गया। तो सर थोड़ा सा इम्यूनिटी के हवाले से अगर बात करें, तो चूंकि ये डिजीज जैसे हमने बात की कि इम्यून कम्प्रोमाइज पेशेंट को ज्यादा हो जाती है, फिर इससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो रही होती है, तो बजाय इसके कि हमें हो, इससे पहले कि हम ऐसी क्या एहतियात करें, ऐसी क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होनी चाहिए, एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से बताइएगा, साथ साथ कि हम अपनी इम्यूनिटी किस तरह से स्ट्रांग कर सकते हैं कि हमें ये डिजीज ही ना हो। मैडम ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताता हूँ, इम्यूनिटी को सब लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर हम ऑर्गेनिक फूड लेंगे, सबसे प्रायोरिटी पे आपकी ऑर्गेनिक फूड है, आपके एग्स हैं, आपका मिल्क है, आपका रोटी है, सब अगर आप ऑर्गेनिक फूड पे रहेंगे आपको कुछ नहीं होने लगेगा। ठीक है, अगर आप इस आर्टिफिशियल फूड या फैंसी फूड पे लग गए तो आप ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। ठीक है। डॉक्टर साहब, हम ऑर्गेनिक आपके सामने जो अब हम सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं या फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहाँ इतने ऑर्गेनिक रहे हैं जैसे पहले हुआ करते थे? उसमें भी कोई ना कोई मिलावट तो जरूर होती है ना, जब तक हमारे पे आते इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं उसकी ग्रोथ जल्दी करने के लिए, तो कोई भी चीज तो अब तक ऑर्गेनिक जाती ही नहीं है ना। आप फूड हो, आपका मिल्क हो, अगर आप खुला मिल्क ले रहे हैं, शॉप से नहीं ले रहे या घर आके कोई आपको सर्व करके जा रहा है, तो उसके बावजूद भी वो पानी वाला दूध होता है, तो किस तरह से ये सारी चीजें ऑर्गेनिक कैसे हो सकती हैं? मैडम ये है तो बहुत मुश्किल, लेकिन जिस तरह एक आदमी की प्रॉपर्टी होती है, आपके लोग जो अपना देखने वाले हैं अपनी एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपनी एक बिल्डिंग बनाते हैं, अपना एक प्लाजा बनाते हैं। हाँ जी। मैं तो उन लोगों को यही कहूंगा कि अपनी सेहत भी बनाए, और अगर आदमी खुद एफर्ट करे तो अपनी इस चीज को ऑर्गेनिक फूड खुद तैयार कर सकता है अपनी ही, जिस तरह एक लोगों ने, बल्कि सर अब तो ट्रेंड चलना शुरू हो गया होम किचन्स में, जो है आपने होम का एक छोटा सा बनाया होता है, घर में पौधे लगाए होते हैं, या फिर आपने अपनी छतों में, बहुत से लोगों ने आजकल छतों में स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कुछ इस तरह की मट्टी करके उसके अंदर अपनी सब्जियां और ऑर्गेनिक हर चीज खुद ही उगाई हुई है, वो भी अच्छी चीज है। लेकिन जिन लोगों के घर छोटे हैं, रेंट पे हैं, वो लोग ये काम तो नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मेजोरिटी जो लोग हैं वो इस तरह से ही रह रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ बाकी हमें भी देखनी पड़ेगी, महंगाई भी है, गुर्बत भी है, सेहत भी नहीं है, तालीम में भी हम बहुत पीछे रह गए हैं, तो हमें हर चीज को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए हमारे शो का मकसद ये होता है कि आप तक अवेयरनेस पहुंचाना कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो पहले आप अपनी एहतियात कर लीजिए जहां तक पॉसिबल हो सकता है। हाँ, वरना आप डॉक्टर साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, सब नहीं कुछ हुआ चले हो गए तो ट्रीट तो कर ही देंगे। हाँ जी, एब्सोल्युटली। ऐसे थोड़ा सा बात करते हैं इम्यूनिटी के हवाले से, हमने बात कर ली, अगर इनकेस चीज हो जाती है जैसे आपको हो गया फ्लू हो गया, तो हम उसके बाद क्या एहतियाती तदाबीर ले सकते हैं? मोस्टली हम एक तो जैसे अभी बात की कि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि मेडिसिन नहीं ले, मेडिकेशन नहीं करते, तो उसके अलावा क्या चीजें हो सकती हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकती हैं इसके होने के बाद जिनको हम फॉलोअप कर सकते हैं? मैडम सबसे पहले अगर आप लोगों को, आपको पता लग गया है कि मुझे फ्लू है, ये रनिंग नोज है, या आप घर में एक बंदे हैं, आप बीमार हो गए, इस अभी आपने बताई कि बात लोगों के छोटे छोटे घर हैं और वो रेंट पे रह रहे हैं, अगर एक बंदे को हो गया तो उसको ऑब्वियसली आइसोलेट हो जाना चाहिए, दूसरों से सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने। नॉर्मल फ्लू की बात करें, कोविड में भी और नॉर्मल फ्लू दोनों में भी ऐसे होगा, आप मास्क यूज करें, आप अवॉइड करें, आप एटलीस्ट 6 फीट का पर्सन टू पर्सन डिस्टेंस रखें, हम इस तरह इससे बच सकते हैं। टेम्परेचर मेंटेन करें, बाहर जाते हैं अपने आप को ये ना समझें कि जनाब मैं अगर जैकेट नहीं पहनता या ऊपर कोई चीज नहीं पहनता तो कोई मुझे कुछ नहीं होता, तो आपने प्रिवेंशन, मुझे ठंड नहीं लगती डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों से ना मुझे ठंड नहीं लगती।
मैं जैसे मैडम ने कहा कि प्रिवेंशन, ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम लोग प्रिवेंशन पे फोकस करना शुरू कर दें, हम लोग बहुत सारे बड़े ट्रीटमेंट, जो महंगे ट्रीटमेंट जिस तरह भी आपने बताया गुर्बत है, हम उससे बच सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसी हमारा जो इकोनॉमी पे बर्डन आएगा, जो हॉस्पिटल पे बर्डन आएगा वो कम होंगी, और वही पैसा जो हमारे यहाँ पे आप सेहत को ठीक करने के लिए अपनी लगा रहे होते हैं, डिजीजेस को ठीक करने के लिए लगा रहे होते हैं, कहीं और इस्तेमाल होगा, रोजगार के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो इसी तरह से जो है गुर्बत कम हो सकती है। ये चीजें इस तरह से इंटरलिंक्ड है। हाँ बिल्कुल जी, माहिरीन के मुताबिक तो ये है कि आप एहतियात ही कीजिए, बाकी ये डॉक्टर हजरात हमेशा हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद होते हैं, स्काइप पे भी होते हैं, आपके साथ साथ अवेयरनेस दे रहे होते हैं, आपको जहां तक हमारी कोशिश होती है जितनी आम जुबान में आप तक पहुंचा सकें हमारी इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा रहे होते हैं, ताकि आप एहतियात कर लें, इसमें हम लोग भी शामिल है, क्योंकि फ्लू हो जाना, कफ हो जाना, इट्स नॉर्मल थिंग। बेहतर चीज ये किसी हाँ लेके कैसे चले, लेके जैसे ले उसको बच कैसे सकते हैं। हाँ वो अगर टिश्यू पेपर या रुमाल यूज कर रहे हैं तो काइंडली उसको एक जगह अलग फेंक मत दे, घर में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, भी करें उसको फौरन से दीजिए। अक्सर सुनने में आता है कि आपने जब मौसम बदल रहा है ना, तो उसके शुरू में आपने बीमार नहीं होना, उसके शुरू में आपने खांसी नजला जुकाम नहीं लगवाना, अगर वो नहीं लगवाएंगे तो आप फिर जो पूरा सीजन आपका अच्छा गुजरेगा, आपको तब इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। ये बताइएगा कि सच ऐसे होता है वाकई में? ये मतलब बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, जिस वक्त मौसम चेंज होगा, ये नहीं है कि हम समर से विंटर में जा रहे हैं, विंटर से समर में जा रहे हैं, जब भी हमने जाना है हमारी बॉडी एक चीज पे इम्यून हुई भी है, हम समर की तरफ हुए, अचानक एक जिस तरह भी आजकल मौसम बहुत ठंडा हो गया अचानक ही, तो हम लोगों को अपनी केयर करनी चाहिए, वेदर जिस तरह क्लाइमेट चेंजेस होती है इस तरह वेदर चेंजेस में भी हम लोगों को केयर करनी चाहिए। ठीक है, ठीक होगा। अच्छा सर, जैसे हमने थोड़ी सी बात की कि हमारी इम्यूनिटी भी थोड़ी वीक है, इस वजह से हमें बीमारी भी लग जाती है, उसके एक हमने रीजन भी डिस्कस कर ली कि डाइट हमारी अच्छी नहीं है, जैसे हम फैंसी फूड पे चले जाते हैं, ऑर्गेनिक फूड नहीं खाते हैं, और क्या वजूहत होती है जिसकी वजह से हम लोग बीमारियों की तरफ बहुत ज्यादा जाना शुरू हो गए हैं, खासतौर पर ये जो कॉमन कोल्ड है इस तरह की, जो कि हर दूसरे बंदे को हो रही है। मैडम उसमें हमारा लाइफस्टाइल है, अगर हमने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करना, हम जो मर्जी कर लें, प्रिवेंशन के अंदर सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, आपने उठना किस वक्त है, आपने वॉक करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने अपनी डाइट लेनी है, मील को स्किप नहीं करना, ठंडी चीज नहीं लेनी, कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करना है, तो इन चीजों से हम लोग ये चीजें हम फॉलो करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कोई मैसेज देना, एक अवेयरनेस मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके फोरम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी जरूर। हमारे मुल्क में प्रिवेंशन पे कुछ नहीं है, बहुत वीक है हम लोग प्रिवेंशन। अगर हम लोग प्रिवेंशन कर लें, हर चीज की है, हेड टू टो अपनी प्रिवेंशन कर लें, आई साइट के वाले से, स्किन के वाले से, अपना इवन हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट के वाले से, ब्लड के वाले से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इतना ट्रीटमेंट महंगा हो चुका है, इतना ट्रीटमेंट महंगा हो चुका है, इतनी मेडिसिन महंगी हो चुकी है, कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप बैठ के सोचें प्रिवेंशन को, आप ऑर्गेनिक फूड खुद तैयार करें, आपको पता लग जाएगा। लोगों ने मजाक बनाया था इमरान खान साहब का कि घर में जिस तरह भी आपने डिस्कस की कि हम लोग एक किचन वेजिटेबल्स को अपना एक चीज कर सकते हैं, घर में कोई चीज इवन जो चिक्स हैं अपना मुर्गी हैं वो कर सकते हैं। हाँ जी, लोगों ने मजाक बनाया, मजाक बना। अगर इसको आप ऑर्गेनिक फूड की तरफ चले जाएं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे और अपना हेल्दी लाइफ और लॉन्ग लाइफ जिएंगे। हेल्दी लाइफ और लॉन्ग लाइफ जिएंगे। बड़ी बेहतरीन बात आपने की, आपने कह लें कि सारी चीजों को कवर अप करके एक चीज में डिफाइन कर दिया, प्रिवेंशन, एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन जो है ना एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी हो रही है तो उससे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना है, जैसे भी सर ने भी मेंशन कर दिया, ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ जाएं। फिर उसके अलावा अगर कोई और मसला है, जैसे हम एक्सरसाइज पे हमेशा बात कर रहे होते हैं कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हमें फिजिकली बहुत सारे मसले हो रहे होते हैं, कभी जोड़ों का दर्द निकल आए, कभी कुछ और, फिर हमारी मेंटल एक्टिविटीज भी नहीं है, हम मेंटली भी खुद को क्रिएटिव और फ्रेश और प्रोडक्टिव नहीं रखते, तो वो मेंटल बीमारी में लगना शुरू हो जाती है। तो सारी बीमारी लगने से पहले हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना है कि हम इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उनके तरीकाकार की तरफ आना है। जैसे हम अगर अपनी डाइट की बात करें तो हम फूड की तरफ आ गए, फिर अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल किस तरह से अपने मेंटल लेवल को ग्रो कर सकते हैं, उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं, बुक रीडिंग होगी, एक्टिविटीज होगी, क्रिएटिविटी होगी, तो ये सारे काम अगर हम करना शुरू कर दें ऑटोमेटिकली हमारा लाइफस्टाइल भी बेहतर हो जाएगा और प्रिवेंशन भी हो जाएगी चीजों से, ओवरऑल जो है डिजीजेस भी कम रहेंगी और जो हॉस्पिटल्स पे एक बर्डन है
वो भी कम रहेगा और ओवरऑल गवर्नमेंट पे और ओवरऑल कह रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल पे भी गवर्नमेंट जो जितना भी बर्डन है वो कम रहेगा। हाँ बिल्कुल, और इसके लिए आप फॉरन से सब कुछ नहीं कर सकते, अगर आप यूज टू नहीं है तो आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफकोर्स कोई भी एक्सरसाइज होती है जैसे पढ़ने की, एक एक पेज स्टार्ट करने नहीं, पढ़ने की नहीं भी अगर आप करें, आजकल तो ऑडियो बुक्स भी आ गए हैं, आप वो सुन सकते हैं, सीजन देख सकते हैं, मतलब थोड़ी चीजें थोड़ी डिफरेंट कर लीजिए ना अपनी रूटीन से, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लीजिए, बहुत सी चीजें हैं जिससे आप बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का, और आज हमने आपको अवेयरनेस दी कि मौसम जब चेंज होगा तो ऑफकोर्स बच्चों को, बड़ों को, स्पेशली जो आपके घर में बुजुर्ग है उनको कफ भी हो रही होगी, उनको फ्लू भी हो रहा होगा, तो आपने महफूज बनाना है उनको भी और खुद भी महफूज रहना है। जब आप खुद ठीक रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तो आप दूसरों को हेल्प कर सकेंगे, दूसरों को सेहतमंद बना सकेंगे। बिल्कुल ऐसे, अगर आपको समझ नहीं आ रही ना कि किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं या किस तरह से एक प्रोसेस हो सकते हैं, तो आप सिंपल काउंसलिंग ले लें। जैसे आप हाँ जी, हमारे से डॉक्टर साहब मौजूद है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, तो वो आपको उस पर एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि आप किस तरह से अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। जनाब इसी के साथ चलते हैं ब्रेक से, वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात, देखते हैं पाकिस्तान के साथ।